हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टोरेक्स सिरप के बारे में। टोरेक्स सिरप का क्या यूज़ है, ये किस काम में आता है और किस कंडीशन में इसको लेना है और कितना कितना लेना है, तो आज हम भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो टोरेक्स जो हो गया, ब्रांड नेम हो गया, कफ सिरप होता है, खांसी के लिए ये यूज़फुल होता है। और यहाँ पर लिखा है अलविदा खांसी, खांसी के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये सिरप। और इसमें कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन यहाँ पर देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोराइड जो यहाँ पे है 12.5 mg है और टेरपिन हाइड्रेट जो है 7.5 mg है। अमोनियम क्लोराइड जो है 125 mg और सोडियम सिट्रेट जो है 55 mg है, यहाँ पे 55 mg। और यहाँ पे दे रहा है इन्हें फ्लेवर्ड मेथोलेटेड सिरप बेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक स्वादिष्ट मेथोलेटेड सिरप के बेस में। डोजेज यहाँ पे दे रहे हैं एस डायरेक्टेड बाई दी फिजिशियन। मतलब इसका ये हुआ कि जितना आपको एक फिजिशियन सलाह दे, आपको डॉक्टर जितनी सलाह दे उसके सलाह के अनुसार इसको लें। फिर भी मैं आपको इसकी डोजेज बता दूंगा अभी। और यहाँ पे दे रहा है फॉर बेटर रिजल्ट टोरेक्स शुड बी टेकन विद लूक बार्म वाटर। लूक बार्म वाटर मतलब गुनगुना पानी। इसके अच्छे रिजल्ट के लिए हम इसको गुनगुने पानी के साथ उपयोग करें, यूज़ करें। और इंडिकेशन यहाँ पे दी हुई है ड्राई कफ के लिए है। ये है ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी। स्मोकर्स कफ जो धूम्रपान वगैरह करते हैं उनको जो खांसी आती है उस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है बूपिंग कफ का मतलब हुआ कि काली खांसी। क्लोनिक कफ इसको बोलते हैं, पुरानी खांसी जो होती है हमारी उस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट सर्जिकल कफ, सर्जिकल के बाद आने वाली खांसी उस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कितना कितना लेना है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसको इसकी जो डोज है 15 साल के ऊपर के लोग लें इसको दिन में 3 टाइम मतलब 5 ml वन टाइम में विद लूक वर्म वाटर, गुनगुने पानी के साथ लें। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और जो ये 60 ml का कफ सीरप है इसकी MRP है 69 rupees है, 60 ml के सीरप की MRP। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।